दुर्गे, स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल में, जो आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड, जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जितने भी मेरे साथी हैं, सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए। आपके लिए सामान्य हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए। फ्रेंड, फटाफट हम लोग क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था? जी हाँ फ्रेंड, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था? ए है विश्रामपुर का संत, बी है आदमी, सी है सीमाएं तोड़ती हैं, और डी है अज्ञातवास। जल्दी से बताएं फ्रेंड, श्रीराम शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी, फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। यहाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। जी हाँ, विश्रामपुर का संत, आदमी, सीमाएं तोड़ती हैं, अज्ञातवास। चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं आप सभी साथियों के। जी हाँ, इसका जो सही जवाब फ्रेंड हुआ है विश्रामपुर का संत, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, विश्रामपुर का संत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विश्रामपुर का संत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे चलेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सावधानी में प्रत्यय है। जी हाँ, सावधानी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड, सावधानी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सावधान प्लस आनी। जी हाँ, सावधान प्लस आनी, सॉरी सावधान प्लस नी, सॉरी सावधान प्लस नी, सावधान। इसको अगर आप लिखेंगे अलग से तोड़ेंगे फ्रेंड, तो सावधान ये मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मिलकर हुआ है सावधानी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, सावधानी में ई प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय वे शब्दांत होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विकल्प नंबर ए इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अंतिम प्रश्न की तरफ, सॉरी तीसरे प्रश्न की तरफ। मृगधर, जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची हमको सुनने हैं। मृगधर के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन से हैं? सिंह है, चंद्रमा है, शिव है, या मयूर है? जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से मृगधर के पर्यायवाची कौन है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा, सिंह है, चंद्रमा है, शिव है, या मयूर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या है? मृगधर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिंह है, चंद्रमा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर कमेंट करिएगा। जी हाँ, देखिए मृगधर जो पर्यायवाची फ्रेंड वह शिव का है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मृगधर जो पर्यायवाची फ्रेंड वह शिव का है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, पराग का पर्यायवाची है। पराग का पर्यायवाची है फ्रेंड भारती है, फूल है, सुगंध है, या कुसुकुमार है? जी हाँ, पराग का पर्यायवाची कौन है फ्रेंड? जल्दी से आंसर कमेंट को बताइएगा, पराग का पर्यायवाची कौन है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे जो लोग जुड़ रहे फ्रेंड, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। आप सभी साथियों का मैं क्लास में वेलकम करता हूँ, सभी को स्वागत है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए सभी साथी, चलिए बी और सी, बी सी डी, लगभग लगभग बी सी डी आंसर आ गया है, तो जो कि इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी। पराग का जो फ्रेंड आंसर है वह है सुगंध। पराग का जो फ्रेंड पर्यायवाची होता है वह सुगंध होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर, पराग का जो पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड वह है आपका सुगंध। आगे बढ़ेंगे, गांधी जी का अर्थशास्त्र, यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमको। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म पर आधारित है, न्याय पर, यश पर, प्रशासन पर, या अहिंसा पर? गांधी जी की बात हुई है तो वहाँ पर अहिंसा की बात ना हो ऐसा होना मुनासिब नहीं है। जी हाँ, गांधी जी की जहाँ पर बात हुई है वहाँ पर अहिंसा की बात ना हो तो बात
बनती नहीं। तो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वह धर्म और किस पे आधारित था, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वह धर्म और अहिंसा पर आधारित था, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, गांधी जी की बात हो और अहिंसा की बात ना हो, इन्हीं के तो नाम पर तो 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो स्पेस दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्म सम्मत, धर्मतापेक्ष, धर्मानुसार या धर्मनिरपेक्ष, जल्दी से बताइए। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर किसकी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, किसकी दृष्टि राष्ट्रीयता का। बहुत बढ़िया भैया, धर्मनिरपेक्ष, बहुत अच्छा भैया। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए भी बिल्कुल सही जवाब होंगे कि धर्मनिरपेक्षता के आधार हैं, विकल्प नंबर डी। आगे बात करेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत करता है, संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित या स्वाभाविक। फटाफट बताएं फ्रेंड, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना को रूप में क्या जागृत करता है, संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित या स्वाभाविक। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कमेंट करिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है, चलिए कुछ साथी विकल्प नंबर डी कमेंट कर रहे हैं जिनका जवाब बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब सही है भैया, कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करती है, स्वाभाविक रूप से जागृत करती है। डी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विकास के लिए स्पेस आवश्यक है। विकास के लिए भैया क्या आवश्यक है, क्या विविधता आवश्यक है, क्या आत्मनिर्भरता आवश्यक है, क्या समता आवश्यक है, क्या बहुलता आवश्यक है। तो विकास के लिए आर्थिक रूप से क्या आवश्यक है फ्रेंड, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएं फ्रेंड। विकास के लिए आर्थिक रूप से क्या आवश्यकता है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। 8 का बी कमेंट करें कुछ साथी, बहुत सारे साथी लगभग बी आंसर कमेंट करें जिनके जवाब बिल्कुल सही भैया, कि विकास के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता जरूरी है, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ डेवलपमेंट, जी हाँ, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मेरे लगभग बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की, तो निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम अक्षर होता है उसे ही नासिक व्यंजन कहते हैं। तो आप जानते होंगे इतना सिंपल सवाल का जवाब कौन मेरा साथी गलत करेगा, भैया जो गलत करेगा वह अपना एक नंबर खोएगा। नासिक व्यंजन है, यहाँ पर ई है, अंग, ञ, ळ, न, म, ये सारे आपके नासिक के व्यंजन होते हैं, पंचमाक्षर। जी हाँ, सस्पर्श व्यंजन के का जो पंचमाक्षर होता है वह नासिक व्यंजन होता है, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, शुद्ध वर्तनिक शब्द का चयन करना है, जानवी या जानवी, देखिए कौन सा यहाँ पर जानवी शुद्ध लिखा है आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जी हाँ, जानवी कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा है, तो विकल्प नंबर सी सही लिखा है भैया, ये आपका शुद्ध जानवी है, बाकी ए, बी और डी ये गलत जानवी लिखा गया है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, झ, क, ग, थ, ध या प, भ। तो देखिए भैया, अल्पप्राण का जो फार्मूला होता है 1 3 5 1 3 5, प्रत्येक वर्ण का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है, इसके साथ अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर वह अल्पप्राण होता है, तो कौन सा विकल्प दिख रहा है भैया, बहुत बढ़िया भैया, देखिए क, ग पहला और तीसरा, क और ग पहला और तीसरा वर्ण है, इसका मतलब यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जी हाँ, बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी लोग फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन या लड़काईपन। जी हाँ, लड़काईपन बिल्कुल सिंपल था, यह भी क्वेश्चन है फ्रेंड, लड़कपन आपका भाववाचक संज्ञा है, लड़कापन, लड़काई, लड़काईपन ये सारे भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा वह लड़कपन है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर। लड़कपन
भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, कौन सी रचना निराला जी की नहीं है। अनामिका निराला जी की है, नए पत्ते यह भी निराला जी की है, आराधना यह भी निराला जी की है, जो नहीं है फ्रेंड वह है वीरांगना, वीरांगना यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, न कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। डी द राइट आंसर फ्रेंड, अनामिका, नए पत्ते, आराधना, ये सारी जो रचना है फ्रेंड यह सारी आपकी निराला जी की है, जो नहीं है वीरांगना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कस करेंगे। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली व लिखी जाती है भैया। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि ऐसी ध्वनि जिनको बोलने पर किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़े, इन्हें तो व्यंजन कहते हैं भैया, उन्हें तो व्यंजन की संज्ञा देते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे का एक व्यंजन है तो यह का प्लस आ से मिलकर बना है, मतलब का को बोलने के लिए एक स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो हर समय अपना मतलब साधता हो व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या मतलबी। भैया जो हर समय अपना मतलब अगर साधता हो उसके लिए एक शब्द आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आपके आंसर केवल देखने हैं। जी हाँ, आपके आंसर भी आने पर आप सभी लोगों ने भी क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य संसार में केवल हर समय अपना मतलब ही देखता है, उसे हम आप सभी लोग स्वार्थी की संज्ञा देते हैं, उसे सेल्फिश कहा जाता है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जब तक मैं नहीं जाऊँ, नहीं आऊँ, इस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। बताइए फ्रेंड कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, उसी का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कमेंट करिएगा कि कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है, शुद्ध है, उसी का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। एक साथी है हमारे अनुप सिंह, उनका आंसर आ गया है। जी हाँ, बी बी एक और साथी का आंसर आ गया है, मृत्युंजय मिश्रा जी। चलिए डी आंसर भी आ गया है। चलिए तो बी वाले साथियों का मेरा परसेंटेज बढ़ रहा है, तो बी देखेंगे एक बार, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया भैया, बी वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, यही यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, व्यवहार में, बिल्कुल व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पिताजी हैं, उपयुक्त में से किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रा के में से कोई नहीं। कह रहे हैं कि व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी हैं, जैसे उसके पिताजी हैं, किस प्रकार का वाक्य को शो कर रहा है फ्रेंड। तो देखिए, जैसे, ज्यों, त्यों, किम, ये सब सारे जो वर्ड होते हैं फ्रेंड, यह मिश्र वाक्य की तरफ इशारा करते हैं। जैसे, तैसे, ज्यों, त्यों, कि, अगर ये सब सारे वाक्य के बीच में आते हैं तो उसे वो मिश्र वाक्य की तरफ इशारा करते हैं। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया, भैया आ गया 14 सितंबर 1949 को भारत में, जो भारत संघ, जो भारत की संघ है, वह हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है और तभी से जो है हिंदी 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बट इसको भी आप जानते रहिएगा। 14 दिसंबर यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जबकि विश्व हिंदी दिवस की जो तिथि है फ्रेंड वह है 10 जनवरी। 10 जनवरी सन 1975 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, कन्फ्यूज आप लोग नहीं हुए, बहुत अच्छा लगा देखकर कि कन्फ्यूज नहीं हुए सभी साथी। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती, वह छंद कहलाता है। रोला चौपाई तो कहेगा नहीं,
कुंडलिया, कुंड दोहा भी नहीं कहाएगा, कुंडलिया भी नहीं कहेगा। इसका जो जवाब होगा फ्रेंड होगा दोहा। वह छंद आपका दोहा छंद कहलाएगा, वह छंद आपका दोहा कहलाएगा, क्योंकि चौपाई यह भी सममात्रिक छंद है, यह भी सममात्रिक छंद है, यह भी सममात्रिक छंद है। केवल दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएँ होती हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंदी में सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स 6 होते हैं, अंग्रेजी में ये 8 होते हैं। अंग्रेजी में सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं 8 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं फ्रेंड वह 6 होते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 30 पर इनका बिल्कुल सही जवाब जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सर्वनाम जो होते हैं वह 6 होते हैं। आगे बात करेंगे अनुज शब्द। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक प्रत्यय में आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? अनुज मतलब होता है, अनुज मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर देखिए अनुज का आपको बनाना है, अनुज को स्त्रीवाचक प्रत्यय रूप में बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं? इक का, ई का, आ का या ई का? बिल्कुल सिंपल सा फ्रेंड प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। अनुज का देखिए जो स्त्रीवाचक बनाया जाता है तो टाप प्रत्यय जुड़ता है, टाप प्रत्यय का मतलब आ जुड़ता है। अनुजा, अनुजा अनुज के लिए होता है बेटा, अनुज का जो शब्द होता है मतलब होता है बेटा, अनुजा का मतलब होता है बेटी। विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर सी, अनुजा बनेगा इसका स्त्रीवाचक प्रत्यय, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। दुधाड़ी बोली है, दुधाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? बताइए फ्रेंड दुधाड़ी बोली राजस्थान के किस भाग से बिलोंग करती है? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर कमेंट करिएगा कि दुधाड़ी बोली वह राजस्थान के किस हिस्से से बोली जाती है। जी हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण राजस्थान से कमेंट कर रहे हैं। जय भैया पूर्वी राजस्थान वाले जवाब सही ले गए हैं, पूर्वी राजस्थान वाले साथियों के जवाब सही हैं कि दुधाड़ी बोली वह पूर्वी राजस्थान से बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखिए पवन आपका स्वर संधि का उदाहरण है, पवन आपके स्वर संधि में अयाध स्वर संधि है, अयाध ही स्वर संधि है आपका पवन, स्वर संधि आपका पवन। अब पवन को यदि आप तोड़ेंगे फ्रेंड तो पोधन अन, पोधन अंत मिलकर बना है पवन, पोधन अंत मिलकर बना है पवन, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयोग, मनोहर और नमस्कार ये सारे में आपके स्वर संधि नहीं है, जो स्वर संधि जिसमें रूप से फ्रेंड हुआ आपका है विकल्प नंबर डी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? क्रोध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रोधित? तो कौन सा शब्द संज्ञा है ये आपको चयन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर कमेंट करिएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी या क्रोधित है? बिल्कुल सिंपल सा यह भी क्वेश्चन है फ्रेंड, क्रोध एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है, विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। क्रोध आपका एक प्रकार का संज्ञा है, बाकी सारे संज्ञा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। आगे बात करेंगे विस्मय शब्द का अस्थायी भाव है, विस्मय शब्द का अस्थायी भाव है, तो विस्मय का मतलब होता है फ्रेंड अद्भुत, विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 में फ्रेंड विस्मय का अस्थायी भाव अद्भुत होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, विस्मय शब्द का स्थायी भाव अद्भुत होता है, सी इज द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, कौन सा शब्द पुलिंग है? बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करिएगा। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंदा, निद्रा? बताइए फ्रेंड कौन सा शब्द यहाँ पर पुलिंग है, जल्दी से आंसर कमेंट कर बताइएगा कौन सा शब्द यहाँ पर पुलिंग है। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर कमेंट करिएगा कौन सा शब्द पुलिंग है, बहुत बढ़िया, कपट यहाँ पर पुलिंग है, विकल्प नंबर ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है। अगला बात करेंगे कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए उनमें से कारक के सही भेद को बताना, हे प्रभु, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। भैया संबंध बोधक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है तो संबोधन कारक, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, यहाँ पर संबोधन कारक होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह ही आपने देख लिया है कि हे प्रभु संबोधन मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो संबोधन कारक यहाँ पर है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मीठा?
तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। 28 के लिए आंसर कमेंट करें सभी साथी कमेंट सेक्शन में। चलिए अभी तक भी ही कमेंट कर रहे हैं संबंध, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड विशेषक शब्द है सच्चा, सच्चा झूठा, ये सारे आपके विशेषक शब्द हैं। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, जल बूद बूद करके टपक रहा है में रेखांकित शब्द है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो देखिए फ्रेंड टपक रहा है, जल नल क्या है, बूद बूद करके टपक रहा है, इसमें जो बूद बूद है वह क्रिया विशेषण है, टपकने की विशेषता है फ्रेंड, क्रिया है आपका टपक रहा है और उसकी विशेषता है बूद बूद, नल से पानी टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, बूद बूद से टपक रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया वर्तमान काल में है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली क्रोध उठी, कल वे आने वाले थे। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न फ्रेंड है, जल्दी से आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें वर्तमान काल है, बाकी सभी में किसी में सभी में क्या है, भविष्य भूतकाल है, बाकी ए सी डी सभी सारे में क्या है आपका भूतकाल है, ये वर्तमान काल केवल वाक्य नंबर बी में था। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, और वीडियो के अंत में अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।